मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। मेरी अम्मी जान का फोन आ रहा है इस्लामाबाद से, आवाज कम कीजिए। हेलो जी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरा सलाम सुन रही हैं? अम्मी की शादी के बारे में पूछिए। जी अम्मी जान, वो तो हो गई। कैसे हो गई, किसी को बगैर बताए? दरअसल अम्मी जान, दूसरी पार्टी बहुत जल्दी में थी, उनके पास और भी ऑफर्स थी, बस हमने रातों रात कैश दे के घर दामाद खरीद लिया। कराची आ रही है। सच? अम्मी जान आप कराची आ रही हैं? भाई थोड़े दिन नहीं, ज्यादा दिन रहिएगा। जी ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ अभी से आपका। अच्छा अल्लाह हाफिज। अरे वाह, हमारी अम्मी जान आ रही। गुलाम गुलाम, ये सकता क्यों हो गया आप पर? सुना नहीं आपने? अरे देख क्या रहे हैं, हमारी अम्मी जान आ रही हैं। उठिए, उनके आने की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ जी 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 हाँ जी 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 हाँ जी 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 बिल्कुल जी, बताए जी जी। सर जी, बेगम के आने के डर से तस्वीर में से खिसक ली। जला तू आई भला को ठाल तू, जला तू आई भला को ठाल तू। क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। अरे भैया खड़े खड़े हालत हो गई। कहाँ रह गए थे तुम दोनों हैं? कहाँ रह गए, रह तो अम्मी गई। अरे भाई खड़े रहे वो नहीं आई, सारे मुसाफिर एक एक करके चले गए, लेकिन अम्मी जान नहीं। मम्मी हुजूर, हमने एक एक डब्बे में झांका, एक ट्रेन आती थी दूसरी चली जाती थी, हम सबको चेक कर रहे थे, मगर मम्मी जी नहीं मिली आपकी। क्या क्या आप लोग स्टेशन गए थे? हाँ तो क्या ट्रेनें क्या बंदरगाह पे आती हैं? अरे मेरी अम्मी जान तो जहाज से आने वाली थी, आपको एयरपोर्ट जाना चाहिए था ना उनको लेने के लिए, बताओ भला स्टेशन चले गए। अच्छा कितनी परेशान हो रही होंगी मेरी अम्मी जान। मैं देखता हूँ। आ जाओ देखो, हम दोनों में से किसी एक को ही देखना है। गुलाम तुम बिल्कुल ना कर रहा हो, छोटा सा काम नहीं होता तुमसे, जो भी कहो हमेशा गलत ही करते हो। हाँ मुझे भी यही लगता। संभल के इसमें बहुत कीमती सामान है। अरे ये तो मेरी अम्मी जान की आवाज है। संभल के कैसी है तू मेरी नन्ही परी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी जान। आई आई बैठिए, इतनी खूबसूरत हो गई। बैठिए बैठिए। अम्मी जान आप तो बहुत कमजोर लग रही हैं मुझे, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं नहीं आपकी आंखें कमजोर हो गई है बेगम, अम्मी तो वैसे की वैसे ही स्मार्ट है। लगता है तुम्हारी आंखें सूखी हुई है। अरे आंखों पे याद है, कहाँ है वो मेरी आंखों की ठंडक, मेरी हनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम लोगों से नाराज हूँ। अच्छा तो नाराज होके क्या वापस जा रही हैं? तानी लगता है तूने बहुत ढील दे रखी है। खैर फिक्र नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, एक एक को सीधा कर दूँ।
जी अम्मी जान, आप सबको ठीक कर दीजिएगा। एक तो मेरी बच्ची की शादी कर दी और मुझे खबर तक नहीं होने दी। कहाँ है वो तेरा कद्दू? नानो, कद्दू नहीं, लड्डू। हाँ हाँ, वही वही। कहाँ है लड्डू? यहाँ है नानू माँ। वही बैठा रहे, अपनी हद में रहे। आई अम्मी जान, आप बहुत थक गई होंगी। हाँ, चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ वो तो है, लेकिन सुन लो गुलाम। हाँ, हाँ। रात के खाने में जाफरानी पुलाव और मीठे कुछ भी खाऊंगी। कुछ भी तो मुझे पकाना नहीं आता। आइए 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 आइए। गुलाम सब चीजें बना लेना। अच्छा, और अभी अम्मी के लिए कुछ ले आओ। डकार भी नहीं लेंगी, कच्चा चबा जाएंगी किसी मोती चूर के लड्डू की तरह। मुझे ऐसी तो नहीं लगती। देखना, मेरे लिए इस्लामाबाद से तोहफे ही तोहफे लाई होंगी। ओह, तोहफे! लड्डू पानी लाओ। देखा देखा। हाँ तो क्या हुआ? पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, मैं सवाब कमाऊंगा। और अभी बुला रही है ना मुझे। जाओ सवाब कमाओ, जाओ। एक तोहफे देंगी मुझे। तोहफे? तुम करते क्या हो? काम करता हूँ। कैसा काम? सारे घर का काम करता हूँ। और कोई काम काज नहीं आता तुम्हें? आता होता तो गर्दमात क्यों बनता? देखा मैं जान, कितना होनहार और हाजिर दिमाग दामाद खरीदा है हमने। वो मेरा मतलब है कि मुंतखब किया है। मेरी नई नई शादी हुई है तो आप मेरे लिए तोहफे तो लाई होंगी ना? हाँ हाँ, जो गुलाम के लिए भी लाई हूँ ना, वो भी तुम्हें दे रही हूँ। पसंद आए ना? अच्छे बहुत अच्छे। जाओ फिर जाके इस्तेमाल करो। मैं जाऊं? संभाल के इस्तेमाल करना, जल्दी खत्म नहीं कर देना। हाँ एक बात और, गुलाम को जरूर दिखाना, उसे जलाना, देखना कैसे आग बगोला होता है ये चीजें देखकर। ये तो उसकी पसंद की चीजें हैं। हाँ हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, देखिएगा बस। लगता है कि सारा बल्दियाती निजाम तुम्हारे हाथ में दे दिया अम्मी जान। जी आपके हिस्से के भी सारे तोहफे मुझे ही दे डाले। ओ भाई, बहुत अरसे से भुगत रहा हूँ उन लोगों को, मना किया था मैंने तुझे, बाद आ जा, लेकिन खैर चलो चढ़ जा बेटा सूली पर। चलो काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या सो सर जी, पहले मुसीबतें कम थी, एक और मुसीबत आ गई। मुसीबत? तुम तो उन्हें रहमत कह रहे थे भाई। कहाँ की रहमत, सहमत बन गई है। कुछ कर रहे हैं, इनका कोई इलाज करें। अरे यार परेशान क्यों हो रहे हो, हफ्ता दस दिन की बात है, झेल लो। हल करते हैं, हफ्ता दस दिन, दस मिनट भी बर्दाश्त ना करूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कुछ कहे ना आप, कोई तरकीब लड़ाए। मुझे क्यों डरा रहा है यार लड्डू के बच्चे? देख देख लड्डू, इस तार को मैं काटूंगा ना,
तो अम्मी जान के कमरे में अंधेरा हो जाएगा, फिर वो गर्मी और अंधेरे से तंग आकर कल ही 9-2-11 हो जाएंगी। जज्बाती ज्यादा नहीं हो ना, और मेरा ये एहसान भी याद रख। ये एहसान पहले कौन सा एहसान किया है? गलती से तुम्हें इस घर में लेके आया हूँ। ससुर जी काट रहा हूँ। गई आ जा क्या हुआ अम्मी जान? मेरे कमरे की लाइट चली गई है। मगर यहाँ तो लाइट है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये गुलाम का बच्चा कहाँ है? वो यहीं कहीं होंगे, मैं अभी बुलाती हूँ। गुलाम तुम छोड़ो, मैं देखती हूँ इसलिए कमरे को। अभी मेरे हाथ में आए, मैं देख। अब अच्छी तरह खुद ही खबर लेंगी अम्मी जान। अरे यार गुलाम। जी जी जी। वो अम्मी जान मर गई क्या? अरे अल्लाह ना करे जो उनको कुछ हो, उनके कमरे की लाइट चली गई है। अच्छा लाइट चली गई उनके कमरे की, तो वो आ जाएगी। लोड शेडिंग चल रही होगी ना। मगर सारे घर में तो लाइट है, ये कैसे हो सकता है कि एक कमरे में लोड शेडिंग हो? बेगम एडवांस दौर आ गया है, पहले एक घंटे की लोड शेडिंग होती थी, अब एक कमरे की लोड शेडिंग होती होगी। है गुलाम। जी 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 जी। उठो फौरन उठो। हाँ अरे उठो और अम्मी जान के कमरे में जाकर लाइट ठीक कराओ, और उस वक्त तक वापस इस कमरे में नहीं आना जब तक के लाइट ठीक ना हो जाए। अच्छा वो यहाँ से? जी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गुलाम जाओ फौरन जाओ। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। काम चोर होते जा रहे। जा रहा हूँ। ससुर जी। मेरे प्यारे ससुर जी। उठिए भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ सोने के लिए आया था। अच्छा आप यहाँ कैसे? अबे तुम्हारे चक्कर में मैंने कमरे का फ्यूज उड़ा दिया, और वहाँ कमरे से निकलना पड़ा मुझे। वहाँ सास ने नहीं सोने दिया, और यहाँ मच्छरों ने नहीं सोने दिया। वहाँ सास ने खून पिया, यहाँ मच्छरों ने खून पिया। ये तो बड़ा जुल्म हो गया, बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ। अच्छा अब ज्यादा बड़े तजिया निगार बनने की कोशिश ना करो कि देखिए मेरा मकसद ये। जाओ इलेक्ट्रिशियन के पास, उससे कहो ये फ्यूज ठीक करे। भाई ये ठीक होगा तो मुझे सुकून आएगा, सोऊंगा मैं यार। ससुर जी इतना तो करना पड़ेगा आपके लिए। इतना नहीं, सिर्फ फ्यूज ठीक करा। इसमें यूं गया और यूं ही आया। तेरा यूं जाना और यूं आना मुझे पता है। हाय 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 हाय। अब क्या करें, तो जाने का नाम ही नहीं। पिछली वाली कहानी भी उल्टी हमारे सर पड़ गई। हमारे नहीं, मेरे मेरे सर पे। हाँ आपके ही सर पे। मैंने कब कहा मेरे सर पे? वैसे भी आपके सर पे इतनी जगह है, आपका ऊपर का माला जो खाली। क्या मतलब? क्या मतलब? लड्डू। हाँ जी। जल्दी से नानू के लिए कप चाय बनाओ, और पापा आप मेरे लिए कप वो अदरक वाली चाय बनाए, मुझे ब्लू हो गया। बनाए ना। कराची में बर्ड फ्लू की आमद, घर घर में लोग मुतासिर हो रहे हैं, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को ये मर्द लग रहा है। ये मर्द जानलेवा भी साबित हो सकता है। बर्ड फ्लू का मर्ज औरतों पर ज्यादा अटैक कर रहा है, वो भी बूढ़ी औरतों पर।
मैं तो बूढ़ी नहीं हूँ, शुक्र है बच गई। हर किस्म के लोग बर्ड फ्लू के मरीज से दूर रहें, खास तौर पे ख्वातीन, वो भी हर उम्र की। हनी, आपकी चाय? ये वाली नहीं, ये वाली, ये अदरक वाली है। थैंक यू। और नानू के लिए भी चाय बनाई है मजे की। वैसे सुसर जी, एक बात तो बताइए, अगर बर्ड फ्लू का मरीज किसी बर्तन को हाथ लगा ले तो क्या उससे भी मर्ज फैल जाता है? हाँ, क्यों नहीं भाई, और खास तौर से औरतें। क्या नानू, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मुझे भी बर्ड फ्लू हो गया हो। अरे नहीं हनी बेटा, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड्डू, ये कप लेकर जाओ और गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर दोबारा चाय लेकर आओ अम्मी जान के लिए। जी अच्छा, अभी लाता हूँ। अच्छू। अरे लड्डू, लगता है कि तुम्हें भी परिंदों और मुर्गियों वाला नज़ला जुकाम हो गया है। जाओ तुम दोनों डॉक्टर को दिखाओ, फौरन, वरना फैल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं सुसर जी, पहले अपनी नानों के लिए गर्मा गर्म चाय तो बना दो, फिर चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। अरे पागल हो गए हो क्या, तुम जाओ आराम करो, जाओ, चाय में बाद में पी। नहीं नहीं नानू, मैं पहले आपके लिए चाय बनाऊंगा। जाओ लड्डू, जल्दी जाओ डॉक्टर के पास जाओ, तुम भी जाओ, जल्दी जाओ। मैं तो जाती हूँ। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जाओ 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 भाई, जाओ 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 भाई, जाओ भैया। अरे भाई जाओ भाई, जाओ जाओ, जाओ, जाओ। यार इतना बड़ा एक्टर है तू यार, मुझे नहीं पता था। अब तुझे तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ये ज्यादा हो गया ससुर जी, किचन में ढंग से काम होता नहीं है मुझसे, फिल्मों में काम करूंगा। चल खैर खैर, इसी तरह एक्टिंग करता रहे, फिर देख मैं उनको भगाता कैसे हूं। ससुर जी एक बात समझ में नहीं आई मुझे, अखबार में वाकई ये खबर छपी थी? हाँ, अरे भाई मगर सिर्फ ये लिखा था कि फ्लू का खतरा है, आप लोग एहतियात करें। ये जो भारी सी खबर बनाई है, ये मैंने खुद बनाई। क्या बात है ससुर जी, लेकिन हनी को तो असली में बर्ड फ्लू हो गया। अबे बेवकूफ, बर्ड फ्लू में चक्कर भी आते हैं, जिस्म में दर्द भी होता है और इंसान खड़ा नहीं हो सकता, समझे? समझ गया। अब देख मैं क्या चक्कर चलाता हूँ, ये देख। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें ना अम्मी जान, देखें कितनी कमजोर हो गई है, और बस यही रहे मेरे पास। हाँ हाँ मैं यही रहूंगी, ज्यादा खाया भी नहीं जाता। हाँ हेलो, ये नमाज़े जनाजा कब है भाई? ओए होए 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 होए, आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अरे क्या हुआ, कौन मर गया? मर गया नहीं, मर गई। मर गई? कौन मर गई? अरे वो मेरा एक दोस्त है, उसकी सास। कैसे? फ्लू से। लो भला, फ्लू से भी कोई मरता है? इतनी हैरत ना करें बेगम, क्योंकि आजकल लोग हैरत से भी मर रहे हैं। हाँ अम्मी जान, ये बर्ड फ्लू तो वाकई जानलेवा है। हमारे दौर में तो सिर्फ परिंदे वाली कोई बीमारी नहीं। आपके दौर में परिंदे होते थे? गुलाम, नहीं बेगम, मेरा मतलब था कि अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें बनाना बंद करो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को ला, बहुत भूख लगी। ठीक ठीक ठीक। गुलाम मेरी बात सुनो। जी जी जी। लड्डू के हाथ कुछ नहीं भिजवाना और मुर्गी वाली कोई चीज नहीं भिजवाना, मसलन ब्रोस वगैरह, ठीक है? फल वगैरह भिजवा देना। सब ठीक है। गुलाम, खाना तुमने बनाया ना खुद? जी जी अम्मी जान, मैंने अपने प्यारे हाथों से बनाया। ईमान से अम्मी जान, ये अभी अभी हुआ है, ये वो खाना बनाते वक्त ये अभी। दानी, मैं इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ।
जब तुम्हारे शहर से ये जान लेवा बीमारियां खत्म हो जाए ना तो वापस बुला लेना। मैं तो कह रहा हूँ मम्मी जान, आप जा रही हैं, मेरा तो दिल नहीं लगेगा। आप नहीं नहीं मैं बाद में आऊंगी जब परिंदों वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नहीं मेरा दिल नहीं लगेगा, आप चली जाएंगी तो आप रुक जाए ना कुछ दिन और। बस फिकर है सर जी, समीरों के दम लेंगे क्या? हाँ 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 मम्मी जान आपको जाना चाहिए, आप चली जाए मम्मी जान, आप जाए। नानो ठीक है बेटा, मेरे पास मत आना, देखो ना फिर बाद में बहुत याद आऊंगी तुम्हें, है ना? एक चीख मार, चीख मार। अच्छा चीज। लड्डू तुम मेरा सामान मत लाना, तुम लाना जल्दी जल्दी। एक चीख और मार। शाबाश शाबाश शाबाश। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, जरा आराम कर लूँ। मेरा तो ख्याल ये है कि हम दोनों को एक्टर होना चाहिए। वैसे ससुर जी आपने जो कहा वो करके दिखाया। यार यार सुबह से जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है यार। भाई अब उनको भगाने में इतनी मेहनत भी तो की है। बस कीजिए ससुर जी, अब तो एक्टिंग बंद कर दीजिए। नहीं नहीं यार लड्डू कुछ मुझे यार मुझे कुछ हो रहा है यार, चर्चा करा रहा मेरा यार। आज ससुर जी कहीं आपको असली में तो बर्ड फ्लू नहीं हो गया? हाँ नहीं नहीं नहीं। मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।